पछमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी से उन्होंने धमकाने के दोष लगाए हैं। दीनानगर नेड़े एक्टिवा सवार चाचा भतीजे को पिछों आ रहे ट्रक ने अपनी लपेट में ले लिया, जिस कारण दोवां की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुखदेव राज और सुखविंदर लाल वासी मुनना वाली वजो हुई है। भाजपा के कौमी जनरल सकत्तर राम माधव का कहना है कि गऊ के नाँ से लोगों की जान लैना कोई भुन का काम नहीं है। अमरनाथ गुफा के दर्शन करके आ रहे दो होर श्रद्धालुओं की आज मौत हो गई, जिस तो बाद हुण तक मृतकों की कुल गिनती 6 हो गई है। मृतक श्रद्धालुओं की पहचान चंद्रशेखर 73 साल वासी कर्नाटक और शिवकांत शर्मा 59 साल वासी उत्तर प्रदेश वजो हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात 7 जुलाई को जर्मन के हैमबर्ग में होगी। केंद्रीय गृह राज मंत्री किरण रिजिजू लेके जा रहे बीएसएफ के जहाज की अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एमरजेंसी लैंडिंग हुई है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि मीट लाबी गऊ रक्षकों खिलाफ हिंसा को उत्साहित कर रही है। बामनू मुठभेड़ से बोलदिया ब्रिगेडियर एच सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों वालों 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं, जबकि इलाके में एक होर आतंकवादी के लुके होने का शक है। माल सकत्तर हसमुख हदिया का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद कीमत की स्थिति से सप्लाई स्थिति से पूरी नजर रखी जा रही है। सीबीआई ने मुंबई बम धमाका मामले में टाडा अदालत तो अबू सलेम नू उम्र कैद की सजा देने की मांग की है।